पाकिस्तान जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं 21 MM, मैं हूँ आपके होस्ट मथीरा ऑन योर फेवरेट टीवी चैनल दैट इज सिटी 21. सो यस, हैप्पी वीकेंड्स. कैसा चल रहा है आजकल? वायरल बहुत फैले हुए हैं, चिकन भूंगिया गुमिया सारी चीजें हो रही है. सो प्लीज यखनी पियो, अपने आप को लुक आफ्टर करो. अगर नजला बुखार है तो घर पर रहो भाई, घर पर रहो, ये बहुत जरूरी है. और हमारे जो आज के मेहमान है वो बहुत ही प्यारे से मेहमान है, दोनों ही मेरे बहुत ही पुराने और करीबी दोस्त हैं, उम्मीदों से भरे हुए हैं. दे विल लाइट अप द शो. सो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जल्दी से बुलाते हैं दानिश मकसूद एंड मान अलीना को. हमारे मेहमान हमारे साथ है दानिश मकसूद एंड अलीना. मान अलीना, क्या हाल है? थैंक यू सो मच, आई एम फाइन. यू आर फाइन? हाउ फाइन आर यू? अलीना ने तो फुल लाल हो कला, ये लाल लाल है, लाल है, कमाल है, अंदर इसके धमाल है. लाल मिर्ची हुए, लाल मिर्ची है हम, लाल मिर्ची. यस, जानू तो आप है ही हमारी. थैंक यू, थैंक यू. सबकी जानू है माशाल्लाह. नहीं भाई, मैं हाथ ऊपर करती हूँ, मैं सबकी जानू नहीं हूँ, एक के जानू हूँ और बस उसे दे दो. दिल पे तो आपका जोर नहीं है ना, किसी के दिल पे तो आपका जोर नहीं है ना. मेरा तो जोर सब पर है. आपको देख के लोग ना चाहते हुए भी जोर आ ही जाता है. देखिए, दिल तो आपको देख के सबके धड़कते हैं, ये तो आप मान ले बात. हाँ, वो लाश होती है. अगर आपका दिल मुझे देख कर धड़कता नहीं है, तुम एक ठंडी लाश हो या तुम्हें हकीम की जरूरत है, यही लोग बोलते हैं. आप पे जोर ना चले, बस ये मैं आई नो हिम, इसको भी बहुत पुराने जानती हूँ. आई नो हर, यू कैन से 14 years. और मुझे कितने पुराने जानती हैं आपको भी इतने साल. अब क्या करें, दो पुराने पापी आगे बिठा दे, मैं की करा. हाँ, मैं की करा. चलो घर की गॉसिप करते हैं. वाइब टीवी से, वाइब टीवी से, बिल्कुल. ये भी मुझे वाइब टीवी के टाइम से ही जानते हैं. हम लोग तीनों इतने पुराने. हाँ, तुम कितने पुराने हो ए बूढ़े लोग, क्या हाल है तुम लोग के? नहीं, उस वक्त हम लोग बच्चे होते थे ना, छोटे थे. हाँ, दूध पी रहा था ये तो माँ के पेट से बात करती थी. अल्ट्रासाउंड हम लगा कर बोलती थी, कैसी हो बोलती थी. निपल 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 पता नहीं ये कौन सी निपल पीते थे, लेकिन इसका निपल इसके हद तक ही रख देते. यू कैन टेक योर निपल, यू वांट अ निपल? नहीं यार, अब छोड़ दिया जानू, वो 14 साल पुरानी बात थी. 14 साल पहले निपल पीती थी, अब डायरेक्ट पीती है. अब डायरेक्ट पीती है गिलास से. मुझे ये बताओ, तुम तमाशा में गए, तुमने तमाशा किया? तमाशा करने गया था, लेकिन वो आपकी नेचर जो होती ना, वही होते हो फिर, वो आप नहीं कर सकते कुछ. तमाशा वो जो आपके अंदर होगा वो बाहर आ जाता है 3 दिन बाद. क्या बाहर आया था? इतना क्या फारिग हो गए? अंदर था वो बाहर आ गया. आप बाहर आने के बाद वो अंदर जा ही नहीं पाया. क्या था भाई वो अंदर बाहर की बात है, मतलब जो आपके अंदर दिल में होता है ना, जो आप अंदर से इंसान होता ना, वो इंसान आपका बाहर आया था. मुझे बताओ क्या था, मतलब वहाँ बहुत दफा ये हुआ, लोग को एक नेगेटिव इमेज भी मिली दिखी. लोग आलू पर भी लड़ रहे थे, बोटी पर भी लड़ रहे थे, लोगों ने राशन पे लड़ रहे थे, बहुत सारी अजीब बातें हो रही थी. बहुत सारी लड़ाई वहाँ पर इसी किस्म की होती है, छोटी छोटी चीजों पे. बड़ी तो लड़ाइयाँ होंगी नहीं ना, खाने पे ही होगी ज्यादातर. पराठा क्यों बन रहा है, घी क्यों लग रहा है? हमारे पास चीजें ही वो थी, खाना या एक दूसरे को देखना, तो उसी में फड्डा होगा. या उनका खाना, या उनका खाना या चुराना. यही बात है बस. ओके, और तो कभी प्यार हुआ तमाशे में सिर्फ थोड़े दिन के लिए? भाई इतनी प्यारी है, हाय बगैर मेकअप भी इतनी प्यारी लगती है. आप यकीन करें, जिस इसके सीजन में वो लड़कियां थी जो प्यारी थी, जिस स्टेज में वो होते हैं ना, आपको लड़कियां भी जो ना वो लड़की लगने लग जाती है. क्यों? वो आपका माइंड ऐसा हो जाता है, मुझे तो लगता है पता नहीं कुछ खाने पीने मिला के देते थे, हमारा माइंड सुन हो जाता है बिल्कुल. नहीं, आई थिंक मतलब कुछ सोचते नहीं, मतलब ऐसा लगता था बहुत सारा सामान घर छोड़ के आए, वो है ही नहीं. मुझे लगता है कि 24/7 आप कैमरा के बीच में होते हो ना, तो इसलिए आप कॉन्शियस होते हो. हां, असल में जीतने का होता है, फिर गेम्स होते हैं, फिर रोजाना की टास्क होती है. आपको इतना मुलझा के रखता है कि आप कहीं ध्यान नहीं देते. आपको ये होता है कि यार बस मैंने अपना नाम बनाना और यहाँ पर आया हूँ तो हमने जीतना है. हर बंदा जीतने की दौड़ में लगा होता है. फिर वहाँ पर सुबह सुबह जो चिक चिक होती थी,
फिर बंदा सुन 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 वैसे इतना पक जाता है तो वो भी कुछ लोग मैरिड होते हैं उनको अपनी फैमिलीज भी तो देखनी होती है ना, आई डोंट थिंक सो कि वो ऐसा कुछ करेंगे क्योंकि वो नेशनल टेलीविजन है। पर मुझे बताओ अगर तमाशा है तो तमाशा क्रिएट करना है, लोग तमाशे फिर क्रिएट भी कर रहे हैं, कुछ लोग क्रिएट करने नहीं जाते ना, कुछ लोग सिंपल रियल रहते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ ना जो आपका अंदर का इंसान होगा। आप कब तक थे वहाँ? मैं लास्ट वीक तक था। लास्ट वीक ओके। और नाइंथ साफी हुई नहीं? मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता नहीं, तो सब अच्छा करता था तो जीतने में नहीं, इतना एक अच्छा होता है जीतने वाले। बहुत दफा लोग बोल रहे हैं कि जो जीता जो जीती थी आपकी साइड पर वो अरुबा थी, अरुबा मिर्ज़ा, वो नाइंसाफी हुई थी क्योंकि मुझे लगता है जो पहला वाला था वो कौन थे, उमर आलम, उमर, उमर Umar really won it and yes. I believe Umar did a great job. Because yes, पहले में ना हमेशा टेस्ट हो रहा था और वो पहले इनको खुद नहीं पता था, तो वाकई उमर भी जेन्युइन, उमर भी जेन्युइन था, लेकिन उमर बाहर निकल के था, वाइट कार्ड एंट्री हुआ था दोबारा है। हाँ जी, उमर वाइट कार्ड एंट्री दोबारा हुआ फिर जीता है वो। ओके ओके ओके, तो बाहर जाकर फिर अंदर आने का मजा कुछ और होता है। फिर आप गेम समझ जाते हैं ना, फिर आप समझ जाते हो, आपको लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ में आता है, लोग थू थू था था जो और एक धचका लाइफ में लगना बहुत जरूरी है। आपको हाँ, एक धचका लग गया ना उसके बाद आता है धचके की बात आती है। अलीना कितने धचके लगे, अलीना कैसे बनी? अब तक 14 साल से तो हम जानते हैं एक दूसरे को, तो 14 साल से लेकर अब तक का जो सफर है ना उसमें जान कितना बुरा आप गिरे हो, कितनी दफा आप खड़े हुए हो, धचके तो बहुत लगे। अनगिनत सबसे अनलिमिटेड ऐसा धचका बताओ जो समझ में नहीं आया कि बंदा खड़ा कैसा हो। पहला धचका था व्हेन आई वाज डिवोर्स्ड। ओके। हाँ, जब मेरा डिवोर्स हुआ था ना तब वाकई नहीं पता था। उसके बाद फिर सीधा मैं स्टैंड लिया है क्योंकि मैंने तब तक अपनी एक अपनी पर्सनालिटी अपने आप को जाना ही नहीं था। उससे पहले तक मैं सिर्फ एक बंदे का ना पपेट था जो कि मेरा हस्बैंड था, तो वो मैं उसका पपेट प्ले कर रहा था, तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता ही नहीं चला कि मेरी खुद की पर्सनालिटी क्या है। देन आफ्टरवर्ड्स आई मैंने अपने आप को जाना क्योंकि फिर मैं अपने आप को ही तवज्जो दे रहा था, सिंगल लाइफ थी, फिर कॉन्फिडेंस भी ज्यादा आया, लोग भी अच्छे मिले, फिर मुझे जिंदगी का समझ आया। Was it a love marriage? It was a love marriage. तो you know ऐसा हाँ, पर ऐसे क्या हुआ that I really want you to talk about it क्योंकि बहुत दफा लोगों को नहीं पता चलता कि लोग पपेट बन जाते हैं वो प्यार के, उसमें लोग को एक बारीक जो लाइन होती है ना कंट्रोलिंग और समझाने में वो एक थिन लाइन, वो एक इंसान एक मैनिपुलेटर बन जाता है और मैनिपुलेटर अच्छा नहीं होता क्योंकि वो आपका डिसीजन पावर ले लेता है ऐसे ही। और कुछ लोग होते हैं अच्छे इन्फ्लुएंस, तो लोग उस बारीक लाइन को नहीं जान सकते, लोगों को लगता है कि मैनिपुलेटर एक अच्छा इन्फ्लुएंस है। और दूसरा झटका तो मेरी मामा की डेथ ही थी। पहले वाला झटका तो डिवोर्स था, वो बहुत इजी था, मैंने खुद को जाना, लेकिन जब सेकंड झटका लाइफ का मिला तो पापा और मामा की डेथ। उसके बाद तो फिर आया है मैं एक टोटली डिफरेंट मां अलीना ना, टोटली डिफरेंट, क्योंकि पहले मैं इंसान डरना, बात नहीं करना, किसी की आंख नहीं मिलाना, कॉन्फिडेंस नहीं था ना, डरना कि मतलब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फियर बहुत ज्यादा थे। फिर सारे फियर्स को मैंने ओवरकम कर लिया। नाउ आई एम अ फियरलेस लेडी। ओके, यू आर डिस्टर्ब नहीं तो मम्मा के बाद तो डिप्रेशन, डिप्रेशन एक वर्ड है लेकिन आई मैंने उसको फील किया है, डिप्रेशन में रहकर देखा है, हालांकि ये सबके लिए बहुत मामूली सा वर्ड है बट इट्स लिटरली अ बीमारी, लिटरली इट इज, इट इज अ बीमारी, इट इज अ वेरी सीवियर कंडीशन। और बहुत दफा लोगों को पता नहीं होता दैट हंसते खेलते हुए लोग भी डिप्रेस्ड होते हैं। एग्जैक्टली, और वो ही ज्यादा डिप्रेशन दिखता नहीं है। एंड आप जब हम बात करते हैं मुझे बताओ, मैं इसको इतने टाइम से जानती हूँ, ये मैं करता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं क्यों हूँ, तुम्हारे अंदर कौन सा मर्द है? मर्द से बाहर नहीं आ रहा। कौन सा है, कौन सा है जो तुम घर छोड़कर आती हो, कौन सा मर्द है जो अंदर है, या कौन सी एक ऐसी चीज है जो हम नहीं जानते? शायद वो लीना के पास हो, हो भी सकता है। ट्रांसजेंडर है, अबे क्या हो गया, ट्रांसजेंडरिंग कराई हो, कोई सोच लो, ऑपरेशन ऑपरेशन कराया, अबे लेकिन नहीं नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक, अबे भाई ऑपरेशन कराया, बच्ची बोल रही है मुंह पर चढ़कर खुला बोल रही है, तो वाई ये आदत है, बिकॉज जब पापा नहीं मुझे पाला ना, अभी पीछे भी यही हमारी बात हो रही है बैक स्टेज के, आप ऐसे क्यों बोल, मैंने कहा यार मैं पापा ने पाला है मुझे, तो लड़कों की तरह पाला, बेटों की तरह पाला, तो हमेशा से फिर ये ना मेरे एक आदत सी बन गई। अभी भी मैं जब ड्रामा में होता हूँ ना या किसी ना किसी ड्रामे में काम कर लिए तो मैं मुश्किल से स्क्रिप्ट को मैं बोल रही हूँ अंदर अंदर, हाँ एक मर्द है,
वो कभी कभार आमिर भाई है, हम ऐसी भी बैठी बशीर भाई को रहना चाहिए एक अदद, एक मैं बशीर भाई कर रही हूं, बशीर पर चली गई भाई, कितने मर्द है अंदर, कितने आदमी है कितने आदमी थे तो अबे ये मैंने नहीं बोला भाई, ये खुद ही कर रही है, आई एम आउट ऑफ दिस गेम, कितने आदमी थे हमको क्या पता होता डायलॉग ना भाई तुम्हें पता हम कैमरा के पीछे थोड़ी थे और ना हम साथ थे तो क्या तो बात ये कि फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जाहिर सी बात है आप जानते हो, और मर्दों वाली जो मैं बात करता हूँ क्वालिटी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आप जब अकेले रह रहे हैं और आप सब अपना खुद करें, ब्रेड एंड बटर भी खुद करें, आपके पास ना भाई है ना बाप है, तो आप मर्द भी खुद ही होंगे ना अपनी जिंदगी के, तो आई थिंक के बजाय बाहर मर्द ढूंढने के आप अंदर ही अपने आप को कहें कि आप एक मर्द भी हैं, अंदर ही मर्द, मुझे शौहर बाहर ढूंढने, मेरे अंदर ही एक शौहर है, तुम क्या जानो शौहर चुन्नी बाबू, मेरे अंदर ही एक बाबू है, चौधरी भी है मेरे अंदर, और क्या क्या हो सकता है भाई, बहुत सारा कुछ हो सकता है, आपका भाई, आपका फियांसे, अबे ये मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, स्किज़ोफ्रेनिया होता है इस बात को, इसके अंदर पूरा एक घर है, यस, रात को पार्टी से आज उसके बाद सोयो तुम कितनी थी, बहुत सारी लड़कियां थी भाई, मैं तो हैरान, अरे मैं मोमबत्तियों की बात कर रही हूँ चल कहा एक भी नहीं लगाई हुई थी उसने, एक भी नहीं राउंड लगाया हुआ था, आजकल लोग आग नहीं लगाते बर्थडे वाले केक पर, ये क्या बात है, ऐसे लगी अंदर सीने में इतनी आग है जानू कि कैंडल में कहते क्या सीने में आग है, अंदर मर्द है, सीने में आग है, ऊपर क्या है, ऊपर दिमाग, बाहर हूँ मैं, जाहिरी मैं हूँ ना, देखिए इनसाइड मेरे बहुत सारे लोग हैं लेकिन जाहिरी तो मैं हूँ, कितने लोग हैं अंदर, 3-4 पर्सनैलिटीज तो हैं अभी हम कौन सी पर्सनालिटी से बात कर, सिर्फ मान अलीना निकाल रहे हो आप मेरे अंदर का, मर्द भी निकाल रहे हो मेरे अंदर का, मान अलीना के साथ साथ और कौन कौन बाहर आ सकता है, है वन ऑफ माय, मैं वो अजलान शाह बन रही हूँ क्या तुम्हारे अंदर जिन है लेकर आओ मैजिक, अपनी मैजिक छड़ी लेकर आए, मैजिक वूंड लाए मेरे अंदर से निकालें, मैं कोई डंडा नहीं ला रही है अगर आपको डंडे वाले शौक है गलत छुप रही है नहीं आपका जुबान ही डंडा है, आप किसी को जुबान, मेरी जुबान डंडा क्यों है भाई, इतनी मीठी जुबान है दानिश बता, बहुत अच्छी जुबान है माशाल्लाह, लोग मरते हैं इनकी बातें सुनने का, आपको क्या पता, कैन आई सी योर प्यारी जुबान, क्या बात है, व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज़ आपकी जुबान बहुत प्यारी है ना, कैन आई सी दैट, ये मैं नहीं, मैं जुबान नहीं दिखाऊंगी, ये कुछ और, अभी जनाब अब कौन है अमान अलीरा के अलावा, बस वो कह रहा नाम नहीं बताना, अच्छा नहीं बता, डोंट वरी, वो नहीं वो कह रहा है मुझे हाइड करके रखे मत बताएं, पीछे वो कह रहा है मुझे, हाँ मेरी तरफ से इशारे कर रही हो, मैं आपको देख ही नहीं रहा, मैं अच्छा, ये देख, अच्छा कंधे पे देख, पीछे पीछे वो पीछे ही आ गए, कान में मुझे कह रहा है, कान में, और क्या पहना हुआ है, कह रहा है मती क्या पहना हुआ है, हाँ नंगा है, सुनो तुम्हारे कपड़े बता दो, नंगा है, हाँ नंगा है, हाँ कहते हैं टॉवल पहना हुआ, अभी नहाकर निकला, नहाकर पानी डाल रहा है भाई, यहाँ टॉवल पहना है, यहाँ कैसे नहा रहे हैं बताओ, तो सही नहीं नहीं वो ना आके निकला, कह रहा रुक जाओ मैं जरा परफ्यूम चरफ्यूम लगा लूं फिर मतीरा के सामने आता हूं, तो मुझे लग रहा है भाई नहीं नहीं, नहीं, नहीं वो आपसे आप अच्छा वो ना के निकला जैसे क्रश उसका क्रश हुआ वो कह रहा वो ना के निकला जैसे ये बातें कर रही है ना वो उसको दोबारा नहाने जाना पड़ेगा, तुम देख सकते हो, नहीं कैन नॉट, नहीं नहीं मैं तुम महसूस कर सकते हो, महसूस टच कर यहां का टच, नहीं नहीं तुम बुरा नहीं मानना, यहाँ से मुझे इसको छूना थोड़ी है, उसको छूना है, हवा में भाई नहीं है, नहीं है तुम हाथ क्या लगा रहे हो, शायद तू गलत चीज का हाथ लगा रहे हो, वो तो टॉवल में है, तुम कुछ घंटा हिला रहे हो, तुम्हें क्या पता वो वापस चला जाए, तुम अब हाथ धोकर आओ, खुशबू वगैरह लगा के आ रहे, कह रहे मैंने जरा मतीरा के सामने तो थोड़ा स्टैंडर्ड में आऊ ना, जो मतीरा का स्टैंडर्ड है, मतीरा को दिखे भी दो, वो अबे मेरे को दिखे भी दो, ये कौन सा मर्द है जो दिख ही नहीं रहा, यार इनविजिबल भी तो प्यार होता है ना, अब इस बार इनविजिबल प्यार करें, इनविजिबल प्यार उसमें मजा ही बड़ा है, हम दोस्त हैं, हम फ्रेंड्स हैं, और तुम पकाती हो, हाँ कभी मैं उसे पकाती हूँ या खाना पकाती हूँ, पका रही हो उसको, पकाती है हमें, पका रही है, अभी अभी वो कपड़े बदलने गया है उसको आने दो, फिर इसके अलावा भी कोई और यार है? आप इतना सोचो कि अकेला इंसान इतना लोनली है कि उसने अपना एक फ्रेंड बना लिया, बताओ कितना, एक है या तीन है, फ्रेंड मेरा एक ही है, एक है और बाकी बॉयफ्रेंड है
गर्लफ्रेंड में क्या है? फ्रेंड तो एक ही है, बॉयफ्रेंड। उसके नाम क्या है? हाँ नाम बता दो। आप बता दे, पूछने तो दो, इजाजत तो लेने दो। आंसर नाम क्या? आंसर वो आंसर दे देता सारे। आंसर 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 दे देता है। और कितने साल का है आंसर? आंसर कितने साल का है? आंसर तुम्हारी एज भी बता दो। है हाँ मधीरा पूछ रही है। हाँ डन ओके। यार वो कह रहा है I'm just 25. Just 25. Just 25. He's just 25. यानी कि तुम्हें क्या से मिला? कैसे मिला? रोड पर चढ़ रहा था, लेटा हुआ था, या आजकल AI बन रहे हैं तो मैं ना बना लूँ अपना AI? मतलब हेलो, मैं अपनी जिंदगी का भी तो AI लेके चल सकता हूँ ना यार। आगे की प्लानिंग की हुई, आगे की प्लानिंग। आप अपना AI बना सकते हैं? नहीं भाई, मैं अपने आप को बना लूँ, बड़ी बात है। मैं किसी काबिल बना लूं, AI बाद में बनाएंगे। मुझे बताओ, लाइफ में ऑफ कोर्स अलीना हैज फेस्ड अ लॉट, आई एम श्योर यू हैव आल्सो फेस्ड अ लॉट। तो ये बताओ, लाइफ का सबसे हिला देने वाला मोमेंट क्या था जो शायद जिक्र नहीं किया? मतलब मेरा लाइफ पे हिला देने वाला? नहीं नहीं, पड़ोसी का यार बताओ। यार बहुत सारे, मतलब देखिए जिंदगी में ये अप डाउन तो चलते रहते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है बिस्तर में अप डाउन सही होते हैं, जिंदगी वाले बता दो। अब जैसे तो चलते हैं, आप ना यूटर्न दोबारा लेके आ रही है। नहीं नहीं चले बताएं। यार हुआ था जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई थी, तो वो मेरे लिए एक बड़ा हिला देने वाला था मौका, क्योंकि मैं अकेला हूँ, ना बहन है ना भाई है, अम्मी है और मैं था। तो जब बाबा का मतलब अचानक इंतकाल हुआ था, कोई ऐसा मसला भी नहीं था। मैं कोयटा गया जा रहा था रात को मुलाकात, तो सुबह वहाँ पहुँचा तो पता चला कि ब्रेन हेमरेज हो गया। अब्बा का वापस आया तो 5-6 दिन में उनका इंतकाल हो गया था। तो बस वो एक है कि उनके सामने कुछ बनना चाह रहा था, उनकी भी ख्वाहिश थी कि मैं एक्टिंग करूँ, लेकिन जाहिर थे आपके बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, दोस्त यार होते हैं। मैं आया इस फील्ड में तो वो मुझे बोलते थे, यार इस फील्ड में क्यों जा रहा है, या तो स्टेज शो करेगा या कोई एक खास सीन दे देगा, चमाटे मारते हैं। क्योंकि उस वक्त मैं बता रहा हूँ 2007-2008 की बात, उस वक्त इतना हमारा मीडिया अवेयर नहीं था, अवेयर भी नहीं था। और लोग उस वक्त पुराने जमाने में, बड़ी दुख की बात है, लेकिन लोग पुराने जमाने में बहुत क्रूर थे। जबान उनको लाइक उनके अंदर एक इंसानियत बहुत कम। जब हमने स्टार्ट किया था तब भी बड़ा ना ऐसे ही था वैसे, वाकई माहौल तो वही वाली बात। 14 साल पुराने बात ना, इस साइड इस साइड के बंदे को ज्यादा करेक्टर मिलते नहीं थे। तो मैंने बोला यार अल्लाह ताला अगर मुझे इसमें काम मिले अच्छा तो मुझे रखना, वरना मुझे इससे निकाल दो। शौक था मेरा। दूसरी चीज जो मेरे को सबसे बड़ा जो दुख है इस चीज का है कि मैं अपने वालिद का अकेला बेटा था, लेकिन जब उनकी डेथ हुई तो मैं उनको कंधा नहीं दे सका। क्यों? हाइट नहीं थी ना मेरी, तो इस चीज़ का एक मुझे अफसोस था कि यार एक बाप था तो हर बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा मुझे कंधा दे, तो वो मैं नहीं दे सका, मतलब हाइट नहीं। लेकिन अगर देखा जाए तुमने ना कुछ गलत किया, एक होता है एक जिंदगी का एक उसूल होता है। लोग बोलते हैं कि बेटा वो हो जो कंधा दे, रियलिटी मुझे जो लगता है बेटा वो होता है जो जीते जी बाप को कंधा दे। ठीक है, एक लाश को भी अननोन लोग कंधा दे सकते हैं, लेकिन एक जीते हुए इंसान को उसका एक फर्ज निभाना, वो कंधा देना होता है। हाँ ये भी है, बाद में वो फर्ज निभाया। ये एक चीज मैं अगर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि दिल से हटा दो, क्योंकि ये बोझ नहीं है, क्योंकि तुमने आई बिलीव जब सब तुम्हारे खिलाफ थे तुमने वो सारी चीजों को साबित किया। अल्लाह का शुक्र। From of course एक चीज होती है that height, looks, बहुत सारी चीजें matters करती है। I remember जब मैं पहली दफा आई थी, I did go for an audition, तो लोगों ने मुझे बोला था तुम बहुत काली हो, और लोगों ने तो मुझे back dancer के उसमें से भी मना कर दिया था, ये बोलकर कि तुम बहुत काली हो और तुम बहुत पतली हो और तुम बिल्कुल टीवी मटेरियल नहीं हो। तो इमेजिन करो मैं back dancer से भी रिजेक्ट हुई हूँ। मैं भी वो रिजेक्ट मतलब सो जो एक रिजेक्शन होता है ना, इट्स द फर्स्ट स्टेप। तो आई थिंक दैट आपने एक एक चीज होती है दैट बिकॉज आई रियली लाइक यू एंड आई रियली, मुझे लगता है कि हम फिर भी कुछ नहीं है, द रियल स्ट्रगल यू फेस, ही फेस, एंड एवरीवन दैट इज लाइक यू फेसेस दैट स्ट्रगल इन अ नॉर्मल लाइफ। मतलब एक जीते जी जिंदगी में वो जो एक स्ट्रगल होता है ना, वो जो एक बचपन और ये सारी चीजें गुजरना, वो बहुत एक टफ चीज होती है। तमाशा में अगर कोई फेवरेट कंटेस्टेंट था ना मेरा, और जो हर टास्क को पूरे तरीके से करता था, बिकॉज इसकी छोटी हाइट थी फिर भी ये लंबे लंबे हाइट वालों को ना बीट कर देता था। शुरू में तो ये मुझे पसंद था, मेरा फेवरेट कंटेंडर ये। अदनान भाई बोलते हैं जब मैं पहली दफा, मतलब पहला हफ्ता में गुजारा, तो इन्होंने वोटिंग की सबसे ना
के वोट करें कि आपको एक वजीर चुनना है, आप लोगों ने वोट, तो इन्होंने मुझे सबने वोट इस वजह से दिया कि यार दानिश भाई को हम वोट देंगे क्योंकि दानिश भाई ना गेम तो नहीं जीत सकते, तो एक दिन एक हफ्ते तो सेफ हो जाएंगे। तो ये उन्होंने मुझे मतलब नहीं नहीं उन्होंने अच्छा उन्होंने एक अच्छी तरीके वो एक गुडविल के चक्कर में तो उन्होंने बोला दानिश भाई को सेफ करवाते हैं, इनको वजीर बनाते हैं क्योंकि एक हफ्ते सेफ हो, क्योंकि फैजान वगैरह सब बोलते ये लोग ये समझते कि यार मैं भी ये समझता था मैं गेम कहाँ खेल पाऊंगा, फिजिकली गेम है जाहिर है मुझसे बड़े बड़े उम्र 6 फीट का, लेकिन फिजिकली जो इसने करके दिया उसके बाद अल्लाह ताला ने मेरे पास वो कर्म किया मतीरा कि जो मेरे को अपना कंपटीटर नहीं मानते थे ना, धान भाई ने बोला कि कोई भी आपको अपना कंपटीटर नहीं मानता था, और फिर ऐसा हुआ कि वो लोग घबराते थे कि यार दानिश भाई इसे बचना है यार ये बड़े खतरनाक है, दानिश की छोटी हाइट और ज्यादा अच्छा लेके नहीं अल्लाह ने करवाया। फिर ऐसा हुआ मतीरा कि मेरे को सारे गेम में जीता हूँ, जितने गेम है मैं आखिरी हफ्ते अनसेव आऊँ और वो मैं निकल गया, और मैंने कभी भी मतलब सेव आवाम की वोट से नहीं हुआ, मैं वोटिंग से पहले सेफ रहता था। ओके गेम खेल कर जीती है मुश्किल से मुश्किल गेम, और बाद में मुझे जब अवार्ड मिला तो बेस्ट खिलाड़ी का मिला। Well, I really like one thing that Danish, मैं Danish इधर बैठा हूँ, मैं लोगों को बोलूंगी तर हम हमेशा अपने आप को पुट डाउन करने के लिए कुछ ना कुछ एक्सक्यूज लगाते हैं, कुछ लोग हाइट बनाते हैं, कुछ लोग रंग लगाते हैं, कुछ लोग किस्मत को दोष दे रहे होते हैं, जब रियलिटी होती है तर अगर आप चाहो आगे बढ़ने के लिए तो दुनिया की कोई ताकत या कोई इंसान आपको नहीं रोक सकता। सो ये आपके अंदर एक चीज़ होनी चाहिए दैट यू नो द इम्पॉसिबल इज पॉसिबल, बिकॉज उसके अंदर भी लिखा हुआ है I am possible. So yes, please try to be positive. और ये जो हम एक bullying का एक दस्तूर लेकर भी चल रहे होते हैं ना, उन चीजों पर हम बात करेंगे, लेकिन लेंगे एक छोटे से break. Break के बाद वापस आएंगे. Stay tuned. Welcome back and yes, you guys are watching 21mm. और आज के हमारे मेहमान बहुत ही दोनों ही बहुत प्यारे हैं, दोनों ही बहुत खास हैं. गद्दाने और दोनों बहुत प्यारे छोटे-छोटे से हैं. कितने साल के हो तुम मुन्ना? यार ये तो मत पूछो ना यार, जानू बच्चे की बात कर रहे हैं, मुझे लगा मेरा पूछ रहे हो। कितने साल का मुन्ना घुसा है यार? वो जरा 5 साल का है, 5 साल का बच्चा, 5 साल का निकलता है। मतलब अलीना एक तरफ और मेंढक एक तरफ, अलीना मेंढक को भी ओवरटेक कर देगी। कोई कमरा खाली नहीं है, सब भरे हैं। हाँ, सब भरे हैं बच्चे। I have very much stuffed toys. I love stuffed toys. मेरे पास बहुत सारे stuffed toys हैं। Okay. मेरा पूरा मेरा बेड भरा हुआ है stuffed toys से। मैं कॉर्नर में सोता हूँ, बाकी सारे stuffed toys सो रहे होते हैं। Seriously. Stuffed toys है ना खाली? हाँ। Toys के अंदर तुम्हारे बाल जो उलझे में ना तुम्हारा दिमाग काम नहीं यार, मेरे बाल इतने अच्छे कर लिए, कह रहा चिड़ियों का घोंसला नहीं मुर्गा, कहता है चिड़ियों का घोंसला नहीं चिड़िया का घोंसला, सही बात बता, मतलब मुर्गा बनी हुई तू, मुर्गी कहती तुम मुर्गी। क्या है जब हम बात करते हैं, ऑफकोर्स एक टाइम पर यू स्टार्टेड द ड्रामा एंड एवरीथिंग जी, तो जो स्टेज ड्रामास होते थे वो एक टाइम पर बहुत फनी भी होता था लेकिन मीन भी होते थे, मतलब वो ज्यादातर ये होता था दैट किसी की इज्जत को नीचा कर हंसी लाओ आवाम से, मतलब किसी का मजाक उड़ाओ, डिग्रेड करके मजाक उड़ाओ, हां शक्ल पे बुलाना, हाइट पे, शक्ल होती थी, हाइट होती थी, और कभी फिजिकल भी होते थे, थप्पड़ मारना। तो ये बताओ इन चीजों से हाउ डिड यू कम अप विद दिस, मतलब एक चीज होती है दैट हाउ यार स्टेज पे मैंने के साथ कभी ऐसा हुआ नहीं, मैंने वो बड़ा संभल के किया और मैंने बहुत कम किया। शुरू में मैंने देख लिया था कि यार स्टेज पे जो है ना वो चीज है नहीं, तो ना तो स्पार्क चाहिए था। आपकी ख्वाहिश होती है ना कि मैं कुछ बन के दिखाऊँ, वहाँ पर भी आप छोटे छोटे करेक्टर करते रहते बस और कुछ नहीं, और स्टेज का एक अपना माहौल है, जाहिर सी बात है, और उसमें जो है ना आपको एक तो बॉडी वही वाला बॉडी का मजाक ज्यादा होता है, तो वो आपको अच्छा लगता है, कल फिर आप उसी में ढल जाते हो, तो फिर वहाँ से निकल गया था मैं ड्रामा इंडस्ट्री में। ड्रामा में अल्लाह का शुक्र है करेक्टर भी बहुत अच्छे अच्छे किए, मेरे अल्लाह ने बहुत अच्छे अच्छे काम भी करवाए, तो उसमें मुझे बड़ा सकून मिला। सबसे एक होता है इंसान कभी तंग होता है ड्रामों में, तो कोई एक ऐसे इंसान बहुत दफा ही होता है, कुछ लीड्स होते हैं जो अपने आप को बहुत ही खास समझते हैं, जो आजकल मैं ये देखती हूँ दैट पुराने जो एक्चुअल सुपरस्टार्स हैं, अगर आप मायरा से मिलो, अगर आप हुमायूं से मिलो, अदनान सिद्दीकी से मिलो, दे आर द एक्चुअल बिग नेम्स, फैसल कुरैशी, लेकिन अगर आप उनसे मिलोगे दे विल गाइड यू, वो आपको एक मेंटोर, और वो इतने प्यार से आपसे मिलते हैं, और फिर
कुछ नए स्टार्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो नए स्टार्स में वो जो एक सीरिया है वो ऐसा है, सामने वाला जो भी हो वो बोलते नहीं हम स्टार हैं, हाँ। हमारे तो इतने फॉलोअर्स हैं, आप कौन हो? बस हाँ, ये फॉलोअर्स का बड़ा मसला है ना, तो जो जिसके फॉलोअर्स ज्यादा होते हैं वो। कभी ऐसा हुआ है कि ऐसे इंसान से टक्कर हुई है? नाम नहीं बताए पर एक्सपीरियंस बता दो। नहीं, ऐसे इंसान से कभी मेरी नहीं हुई कभी भी, क्योंकि मैं खुद भी जो है ना दोस्त जल्दी बुला लेता हूँ और मैं कॉमेडी हूँ, मेरे को उन्होंने देखा भी है तो वो मुझसे हर इंसान की स्ट्रगल है और पहचान। देखो अगर आप एक फिल्म देख रहे हो तो अगर आप सारे जो नॉर्मल कैरेक्टर्स हटा दो तो वो फिल्म किस काम? Exactly. मतलब हीरो हीरोइन के अलावा आप खुद देख लो, जॉनी लिवर देख लो, जॉनी लिवर की कॉमेडी जब आती है तो काफी बड़े बड़े स्टार्स भी चुप हो जाते हैं क्योंकि उसके फेस एक्सप्रेशंस बहुत यू नो देयर ऑन पॉइंट। राजपाल यादव हो गया, राजपाल यादव एंड देयर आर मेनी यू नो पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्हाट यू कॉल शकील साहब के बेटे के नाम क्या है, शराबील, 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 ही इज अ गुड किड, मतलब ही इज नॉट, ही इज अभी नया लेकिन ही गॉट द गुड यू नो, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा है वो, हाजिर दिमाग है। बट आई थिंक दैट जब एक ड्रामा बनता है इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क, और जब ड्रामा हिट होता है हाँ फल लीड्स को मिलता है लेकिन लीड के अलावा अगर इर्द गिर्द के लोग ना हो तो वो लीड किस काम का? सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही। और वो आई बिलीव जो एक चीज होती है फ्रॉम द कैमरामैन टू द लाइट टू द मेकअप, हर इंसान इज अ स्टार, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एवरीवनस रोजी रोटी इज गोइंग, हु आर वी टू से कि ये बी कैटेगरी है ये डी कैटेगरी है। हाँ अगर किसी का कैरेक्टर लेस होता है तो उस पर तो मैं तो उंगली उठाती हूँ क्योंकि आई थिंक इफ यू हैव नो कैरेक्टर and you are belittling people and you are acting up in a horrible manner to wo ek manusiyat hoti hai, wo insaan literally manus hota hai kaam karne ke liye. Ek cheez aur hai hamare na, ek cheez pata kya hai, agar koi naukar ka character kar raha hai na, ha usko naukri ko naukri samajh lete hai bhai, wo character kar raha hai. Mere sath bhi yahi hua hai, mujhe naukar ke character mile, main naukrani bani, bhatti and didi mein bhi kaam kiya, wo bhi naukrani ka tha kuch character se, lekin ek mera proper bhatti and didi project tha jisme main naukrani hi thi, उसमें परांदा और ये वो। उसके बाद मुझे वाकई लिटरली उस साल में मुझे सारे काम नौकरानी के आए, बिल्कुल सही बात है कि मैंने अगर कर दिया मुझे एक्टिंग नहीं देखेंगे, देखेंगे अच्छा तुम नौकरानी बनी हो, वो ही करेक्टर मुझे ऑफर होना शुरू हो गया। ऐसा ही है। तो ये गलत है, ये वाकई ज्यादती है। ओके, तो मुझे तो लगा मेरे साथ हुई है, मेरे साथ हुई है, कास्टिंग काउच की कुछ गलत ऑफर की या एक होता है नॉट, कौन नहीं है, who's not doing it? Okay. हर कोई ऑफर नहीं करेगा? नहीं भाई, लोग कास्टिंग काउच नहीं कर रहे, who's not doing it? who's not, मैंने कहने का मतलब है कि कौन नहीं चाहेगा कि अगर आपको प्लेट में मिल रहा है और आप उसको वो ऑफर, प्लेट में क्यों जा रही हो, मसला ये छोटी हो समझ में आता है, प्लेट में थोड़ी घुसो, पूरी बात जब स्टार्ट हुआ था अंकल ने बोला प्लेट में चली जाओ फायदा हो जाएगा, मैं खड़ा हूँ ना। लोगों को तो ये लगता है ना कि हाँ। प्लेट में मिल रहा है सर्व हो रहा है तो वो ऑफर तो वो करेंगे ना, वो कहीं ना कहीं आपको हिट करेंगे, पूरी तो बात समझो, ऐसा चीज हाँ तो स्टार्ट में बिल्कुल तो, हुआ बिल्कुल तो, मेरी सुन लो कंप्लीट तो करने दो मुझे यार, बोलने दो, उंगली 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 किधर, चलो बोलो। तो मैं ये सीरियस बात नोट है और सीरियस बात में बोला कि हाँ वाकई कास्टिंग काउच होते हैं और ऑफर्स हुए हैं मुझे भी, लेकिन अगर मैंने ऑफर नहीं कंप्लीट माना सॉरी या मैंने नहीं कबूल किया तो मुझे वो प्रोजेक्ट भी नहीं मिला, जो सीधी सी बात है मैं ये कह रहा हूँ। ऐसे लोग थे या हैं या मुझे नहीं पता, इसी वजह से मैंने 4 साल इंडस्ट्री को खैर बात कह दिया, क्योंकि आपको फ्रस्ट्रेशन हो जाती है ना कि आप काम मांगने जा रहे हो और आपका दोस्त भी है और वो कह, वो डायरेक्टर भी बहुत बड़ा है और वो कह भी रहा है और वो पार्टी भी आपके साथ कर रहा है, बट ही इज नॉट गिविंग यू वर्क एंड ही इज गिविंग वर्क टू अनदर पर्सन, तो आपका दिल दुखेगा। हुआ है मेरे साथ ऐसा, इसीलिए हो सकता है हाँ, वो कैरेक्टर उस पर बैठा हो, मैं आपकी बात का सिर्फ जवाब दे रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, हुआ है। तो मुझे ऐसा बुरा फील हुआ है। तुमने जवाब क्या दिया, अगर जैसे बहुत सारे मैंने ना की ना तो मुझे वो प्रोजेक्ट नहीं मिला, मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है, नॉट वन प्रोजेक्ट मिल जाता पागल, कॉम्प्रोमाइज कर लेती, साथ था ही बचा लेता हो सकता है,
नहीं बट मैं पूरा पास बात बता रही हूँ, इट्स नॉट आंसर नहीं था लेटली, नहीं बहुत पुरानी बात है, जब मैं नया नया आया था तो जाहिर सी बात है होता है, फिर कुछ मेरा शादी थी तो उस वजह से भी हस्बैंड इतना वो करता था कि मैं सेट पे हूँ तो पीछे गार्ड पहुंच रहा था, उस वजह से भी मुझे काम नहीं मिला, कई तो काम मुझे उस वजह से भी नहीं मिले क्योंकि वो इतना बदमाश था, वो इतना थ्रेटनिंग था हस्बैंड, मेरा उसके साथ गंदी नजर से भी देखता था हस्बैंड, हाँ हस्बैंड करने नहीं देंगे भाई, आंसर दे गया, आंसर था, आंसर ने कपड़े पहन लिए, मैं हाँ पहन लिए, कह रहे हैं जब मतीरा बोलेंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा जीनी की तरह, क्या घिस रही हो जीनी, वो जो नहीं होता चिराग जान, जीनी इज अ जीनी, इज अ जीनी, घिसने से वो क्या ख्वाहिश पूरी करता है, जो आप मांगो, सुन रहे आप, आंसर मुझे 600 करोड़ दो, नहीं आंसर क्या ख्वाहिश यार, आंसर 600 करोड़ जाए या किसी नहीं चोरी करके लाओ, आंसर 600 करोड़ कैसा देगा, वो खुद नंगा घूम रहा बेचारा, हां ये भी बात है, खुद टॉवल लेके चल रहा है, हां 25 का टॉवल वाले जिन, हाँ है 25 साल का, ये 25 साल का कैसे दिखता है, हैंडसम जॉन अब्राहम, जॉन अब्राहम की टेढ़ी स्माइल और थोड़ा यूं भी, नहीं नहीं जब यंग जॉन अब्राहम, यार 25 साल का है यार, यंग जॉन अब्राहम जब होता था तब भी टेढ़ी ही स्माइल थी, लेकिन ये जॉन अब्राहम जैसा है ना वैसा तो नहीं है ना, ओके उसकी एक आंख यूं नहीं है, नहीं जिम विम करता है, जिम बाइक बाइक चलाता है, यार डोले बड़े या छोटे हैं, हैं मुझसे ज्यादा तो आंसर का इंटरव्यू हो रहा है यार, हेलो और भाई हेलो हम देख रहे हैं क्या भाई है कौन, हां अच्छा जो मैं कर हाथ भी नहीं लगा सकते देख भी नहीं सकते भाई तू है कौन, अच्छा आपने क्या आंसर के डोले छोटे हैं बड़े, हाँ छोटे बड़े, और तुम्हें क्या पता है बड़े छोटे, ये छोटा होता था फिर ये बड़ा कर देती थी आंसर को खिलाकर, यार हेलो डोले भाई ऑफ कोर्स रोटी छोटी खिलाती हो ना भाई, तुम नहीं खाता वो कुछ, नहीं खाता, नहीं खाता वो, नहीं खाता रोबोट है ना, रोबोट क्या खाएगा, रोबोट नहीं, रोबोट दिखे तो अभी आप बोल रही हैं, वो नहीं दिखने वाला इनविजिबल रोबोट है, कहां पिन जाती है चार्ज करने आंसर को, नहीं ये खुद अपनी बात में कायम नहीं, बड़ी पिन है छोटी पिन है, मैं कायम हूं, अभी ये बोल रही है जीनी है, अब बोल रही है रोबोट है, रोबोट चार्ज होता है कौन सी पिन से चार्ज होता है, बड़ी या छोटी, मैं जब चार्ज रहता हूँ तो वो चार्ज रहता है, व्हेन आई स्लीप, तुम बड़ी पिन हो छोटी पिन हो क्या हो, देखो तुम्हें कितनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, और बात सुनो अकाउंट नंबर में आंसर का देना, तुम तो कुछ कर नहीं रही, ओके ओके, उसके बाद कभी प्यार हुआ, जानी प्यार तो मुझे 2-3 दफा हुआ उसके बाद, आंसर सही, नहीं नहीं यार ये तो अभी पैदा हुआ, ये तो अभी पैदा हुआ, प्यार पैदा हो गया अभी, पैदा हुआ अभी, यही हुआ ये अभी, ये खड़ी होकर यूं कर रही थी, आंसर ही पैदा कर रही, आपके सेट पर डिलीवरी हुई है उसकी, नहीं हुआ 2-3 दफा हुआ, लेकिन वो उस 2-3 दफा पैदा हुआ है, वापस चला रहे हैं, 2-3 दफा प्यार उस तरह का नहीं हुआ, हाँ। जो आपको फर्स्ट लव होता है, okay. हो जाता है, अफेक्शन नाम दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन आपको अकेलेपन का कोई सहारा दे दो, रीबाउंड कह दो, तो वो चाहिए होता है कोई ना कोई, okay. तो प्यार हुआ है, लेटली तो भी हुआ हुआ है, क्या हुआ है लेटली, लेकिन वो मिलते नहीं है, वो हासिल नहीं, प्यार खत्म, अब प्यार नाम की चीज ही नहीं मेरी जिंदगी में, खत्म, क्या है अब अकेला हूँ मैं, अकेले, अच्छा तो ऐसे रोबोट के साथ आपको प्यार हुआ है, प्यार हुआ, मेरी शादी भी हो गई उसके साथ, माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्चा भी हो गया उसके साथ, बच्चा भी हुआ, तो ये बताओ जब इजहार मोहब्बत की तो कैसे की, यार इजहार मोहब्बत मेरे बड़ा ना एक अजीब ही एक वो था, जो मेरी वो बेसिकली कजन है ना, तो मैं उससे करता था मोहब्बत, पहले बहन जी, बहन जी, फुफोदाद बहन, फिर सिर्फ जी, कजन लव, मजे की बात है वो मेरे घर में पैदा हुई है, ओह मतलब फुफो यहाँ रुकने के लिए आई हुई थी, वो पैदा हुई है घर पे, देखो ना अल्लाह ताला ने घर पे उतारा, क्या बात है, तो माशाल्लाह मैं करता था, हम बचपन से साथ थे, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी बोलने की, यार मैं बोलूँ ये मना कर दे वो हमारी दोस्ती भी खराब हो जाएगी, तो फिर उसका कहीं रिश्ता आया तो उसने अपने घर वालों से बोला कि नहीं जी मुझे अगर शादी करनी है तो वो दानिश से करनी, तो उसने फिर वहाँ से आप ही ने बोला कि भाई ऐसे ऐसे मामला है, फिर मैंने उससे मुलाकात की, मतलब भाई देख लो तुम जिंदगी गुजार लोगी, क्योंकि मेरे साथ तो मसला कुदरती है ना, मैं तो फेस कर लूँगा, अल्लाह ताला ने मुझे वो हिम्मत भी दी है, अल्लाह ताला ने मुझे वो कॉन्फिडेंस भी दिया है, तो मैं किसी की चुपती हुई आँखें जो होती है ना वो भी मैं बर्दाश्त कर देता हूँ, होती है ना बंदा कुछ बोला नहीं है, खाली देखता है हंसता है या कोई आपको पता, अरे मुझे पहले इतना छोटा छोटा था मुझे बहुत बुरा लगता, तो भला आप बर्दाश्त कर लो, क्योंकि दुनिया ये अभी ये खेल नहीं है कि मतलब कोई फिल्म नहीं चल रही 3 घंटे बाद खत्म हो जाएगी, पूरी जिंदगी के साथ है, आपने मेरे साथ जाना भी है, आना भी है, रेस्टोरेंट में आना है, बच्चे भी होंगे, तो फिर देखना आपने बर्दाश्त करना है, तो चलो नहीं जी मुझे तो कोई मसला नहीं, हाइट से कोई मसला नहीं है,
और मोहब्बत जो होती है इंसान से होती है, दिमाग बड़ा होना चाहिए, हाइट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, दिल होता है, एहसास होता है, शख्सियत से प्यार होता है। और आज माशाल्लाह खुश है, बेहतरीन है, बहुत 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 कोऑपरेटिव है मेरी वाइफ। मैं सब कुछ उसको पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ आ रहा हूँ, किससे मिल रहा हूँ, और दोस्तें भी हैं, गाँव में काम भी करते हैं। उसको यही मतलब बरकत के साथ होता हूँ तो बरकत पता, बरकत के साथ सही है, सेफ है। ओके, बरकत मेरे साथ भी होता है, सेफ है। देखिए बरकत खुद ही सेफ है, इतने साल से हम बोले भाई अनसेफ हो जा, हमारा अनसेफ हो जा, हमारे यहाँ का सलमान खान बरकत। हाँ शादी करूंगा, कितने दफा ऑफ कैमरा ही बोला कि भाई शादी कर ले, तू क्यों शादी नहीं कर। मुझे उसको देख कर उलझन होती है, भाई तू शादी कर ले, सब यही होता है, उसको सब यही बोलता है कि भाई शादी कर। तो खैर ये सारी बातें तो खैर चलती है, आंखें बंद जाली बंद, पहले आपकी बंद होगी, अंसब जो खड़ा है ना टावल वो बताएगा मुझे, अभी तो कपड़े पहनने ही उसने यार, खड़ा है बैठा है इधर ही है, खड़ा है ये खड़ा खड़ा है, तुम्हारे पीछे खड़ा रहता है जान, आपके शो पे आया पैदा हुआ ये हर वक्त खड़ा रहता है, खड़ा रहता है। अबे भाई वो भाई तो चौकीदार है, मैं नहीं बोल रहा ये अंसर ने, यार गार्ड खड़ा होगा बेटे का, मैंने नहीं बोला कि अंसर ने बोला कि बिहेव करो। चलो चलो जी अंसर भाई, कख नहीं नजर देखता है ये कख ही तो नहीं नजर करना आपके, क्या नजर आ रहा है। अभी एक गेम होगा, आपको सिर्फ पूछना है फिर लिविंग ऑब्जेक्ट और ये, और आपको हिंट देना है, ठीक है। लेकिन गैस में सबसे बड़ा हिंट ये है कि गैस करना है, किस चीज़ गैस को? करो एक मिनट समझ नहीं आया, गैस करो, गैस करो, गैस करो, गैस पार्ट, गैस लाइटिंग करनी है, गैस लाइटिंग, गैस ना कर देना। हाँ चलो ये गरम करता है और बहुत गरम होता है, हर घर में होता है, और हर घर में होता है, कुछ में दो होता है, कुछ में तीन होता है, कुछ में चार होता है, और ये 11 बजे के बाद नहीं आता। हाँ, आजकल नहीं आता, नाराज हो गया है, नाराज हो गया। हाँ, बिल भी आता है इसका, बिल भी आता है। हाँ पैसे देते तो ये आता है, वरना फ्री में नहीं आता। बिजली का बिल है यार, नहीं, अबे नहीं, भाई ये कौन सी बिजली है जो 11 बजे के बाद नहीं आती, गैस पे चलता है भाई। हाँ सॉरी, अच्छा तुम्हारी तरह पकाता है। अच्छा एक मिनट, एक रिपीट बताती हूँ दोबारा, गैस नहीं, आपने बताना है ना। हाँ बताओ दोबारा। हाँ गैस, क्या अबे गैस, इट्स गैस ना। हाँ अबे अबे नहीं, नहीं ना। हाँ क्या है इसमें, आंखें क्यों बंद कर रिलेटेड है भाई, वो स्क्रीन पर दिख रहा है, नहीं आगे बंद कर, क्यों आंखें गैस तो, अच्छा ओ हो मैं कहूँ, अच्छा ओह माय गॉड, अब समझ गया, गेम खराब कर दिया तुमने, सॉरी सॉरी, नहीं पता था ना चल रहा, तुम भी बोले जा रहे हो, वो भी बोल रहा है, हम गैस करवा रहे हैं आपको, अंसर भाई बिकाऊ निकले। अच्छा अब नहीं कुछ बताया, नहीं कख नहीं बताया, वो मेरे को लग रहा भाग गया वो। नेक्स्ट चले, ये दुनिया का सबसे मशहूर गेम है। हाँ और देखो थोड़ा लात, 11 मर्द इसके पीछे भागते हैं, बताओ, और बहुत मारते हैं, बहुत मारते हैं, बहुत मारते हैं, और हवा भी डालनी होती है। हाँ गोल गोल होता है, हाथ को गोल करो, दोनों हाथ को पकड़ो, गोल करो, हाँ और बड़े करो, और गोल करो, इतने छोटे आते बेटा और कितने बड़े होने, नहीं नहीं लाइक जोड़ो ना, जोड़ो ना। अच्छा ये नहीं, यूं नहीं जोड़ना भाई, खोल कर जोड़ो, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे दुआ मांगते हैं, जैसे दुआ मांगते हुए थोड़ा खोलो, बड़ा करो, थोड़ा खोलो, और ऐसे गोल करो, गोल करो, अबे ये, अच्छा ये क्या चीज है, दुआ और गोल, क्या चीज है ये, एक दो रिपीट बताओगे क्या चीज है तस्वीर में, थोड़ा सा और दो मुझे क्लूज भाई, देखिए गोल होती है, गोल आंखें होती है, गोल तो आंखों को लात मारते हैं इसकी, 11 मर्द लात मारते हैं आंखों को, वो एक उंगली पर भी घुमाते हैं। हाँ गेम है, दुनिया का सबसे मशहूर गेम, मैं अलग खेलता ही नहीं हूँ ना, गेम्स खेलता ही नहीं हूँ, पता ही कुछ नहीं गेम, अब तो भाई गेम का तो कुछ पता होगा, नाम भी तो होगा ना, कुछ तो होगा भाई, मैं खेलता ही नहीं हूँ। 11 खिलाड़ी चड्डे में होते हैं, मुझे कुछ खिलाने वाला काम दे दो, मैं सब कुछ खा के बता सकता हूँ, 11 खिलाड़ी को बाद में खा लेना, पहले ये तो बताओ गेम क्या है। लेकिन नहीं सॉरी, आई एम सो सॉरी, नेक्स्ट किक मार के ना उसके पॉइंट मिलते हैं, 5 4 3 2 1 फुटबॉल, फुटबॉल जी, नहीं कख नहीं, मुझे तुम लोग क्लूज नहीं दे रहे हो, घर तक दे रहे भाई
मैंने बोला गोल होती है यार। अगर आप ये कहते ना कि रोनाल्डो है इसमें तो बोलती मैं फुटबॉल है यार, तुम लोग क्लू को चल जाता। फिर तो मैं तुम्हें आंसर के साथ ही अपने घर भिजवा दूंगा। हां नेक्स्ट, आंसर दो, आंसर का बोलो फटाफट। सवाल करो, ये क्या है? कटोरे में कटोरा बेटा बाप से भी गोरा। हाँ, और इसके बाल होते हैं और ब्राउन होता है और पानी भी होता है अंदर, पानी नमकीन होता है। तुमने पिया होगा बहुत। क्या हुआ? दो छोटे छोटे बहुत बाल होते हैं और अंदर सफेद होता है और पानी भी होता है और मलाई भी होती है। मलाई भी होती है, ये खाने की मलाई होगी। खाने की चीज़, खाने की चीज़ है, पीने की भी है, पीने की आप पी भी सकते हैं उसका। और जमीन पर मारना होता है। नारियल, पानी। अल्लाह का शुक्र, क्योंकि क्लूज अच्छे दिए ना ये भाई जा रहे हैं। मैं अल्लाह का शुक्र करने जा रही हूँ, इसने कुछ तो अच्छा गैस किया। देखो चलो हटा दो, हटाओ, आपने हमारी जो हटा दी ये भी हटा दो। यस, आपने हमारी जो हटाई है ना, इस बात पर अंधी रहेंगी यार, पूरा शो अंधी रहेंगी। प्लीज इधर ये ब्लैक ब्लैक खेलने आई है। चलो उतार दो, मुझे गैस उतार दो भाई। अच्छा मेरी बारी खत्म हो गई है? हाँ आ जाओ, उसके पास है उसका स्लाइड उधर से आ जाओ, मेरा अपना भाई। मैं तो थोड़ी देर के लिए वाकई अंधा हो गई हूँ, ऐसे लग रहा है जैसे मुझे नजर ही कुछ नहीं आ रहा। चलो आंसर मैं नहीं बोला, गंदी बात नहीं करना यार। तुम्हें गेम को पता है? मुझे पता है, घर तक नहीं पहुंचाना, नहीं पहुंचाना, ठीक है, बदला लेना है। हाँ, हाँ, क्योंकि ये मुझे कंफ्यूज कर रहा था। दिखाए ज्यादातर मर्द इसको पीछे डालते हैं। बैग? नहीं, तुम बैग को पीछे डालते हो? नहीं ऐसे डालते ना, बैग नीचे डालते हैं। अच्छा, ज्यादातर मर्द इसको पीछे डालते, ब्राउन नीचे डालते हैं, काला भी होता है। वॉलेट? तुम घर पर डाल, तू ये भी मुझे कंफ्यूज कर रहा था जान, ये भी मुझे कंफ्यूज मेरी बारी में कर रहा था। तुम तो बता ही रहे हो। नेक्स्ट, नहीं मैं तो कलर ही बोला, अरे बचा दिया। ओके, ये लाल भी होता है, सफेद भी होता है, कराची की बिरयानी में होता है। लाल भी होता है, सफेद भी होता है, कराची की बिरयानी में होता है, लाहौर में नहीं होता। लाहौर में नहीं होता? नहीं। रायता? नहीं नहीं, लाल होता है और ये तो जिंदगी में बहुत होता है। ये मुझे नहीं पता, बोरी में भी होता है वाकई। बोरी में भी होते हैं? हां बोरी में भी होते हैं। हां, नीचे जमीन के अंदर उगते हैं। जर्दा? जर्दा इसका जमीन के अंदर उगता है और बोरी में जर्दा खाता है। कुछ टाइम पहले मेरी बहन भेज रही थी। प्याज जमीन के अंदर नहीं उगती मेरे भाई, जमीन से ऊपर उगती है। हाँ, प्याज। इधर जनरल नॉलेज का सवाल है अल्लाह के वास्ते। अच्छा, रशिया में लोग इसको पीते हैं। ये मेरे लिए नई बात है, वैसे पीते भी है इसको। इसको पीते भी है। स्किन एज वेल, इसका एक नशा है। ये बिरयानी में डलता है? बिरयानी में डलता है, सिर्फ कराची की है, लाहौर की बिरयानी में नहीं होता। ना कर, नहीं लाहौरी आप लोग क्यों नहीं करते, डाला करो ना। करते हैं अभी लाहौरी शुरू हुए यार, वो पहले कराची वाले लोगों ने शुरू किया, फिर लाहौरी वाले। सिरका? हाँ सिरका। अब तीन इसको चांस मिल गए आपकी जिंदगी में है? हाँ है, बिल्कुल। कितने हैं? बहुत सारे। चम्मच? हाँ जानो, अब इसको चार मिल गए हैं, बस कर दो। तुम चम्मच डालते हो क्या? मतलब ये क्या बात यार, वो अभी बस हो गया ना, चार मिल गए अभी। ये बस... कौन से रशियन है जो 5, 4, 3, 2, 1? यस, आलू बेटा, इतना इजी आलू। बिरयानी तक आप आ गए थे तो बिरयानी में क्या डलता है? आलू लाहौर में भी डलता है यार, आलू नहीं लाहौर में नहीं डलता। लाहौर की बिरयानी इतनी खाई है अबे, पेन तो लो, क्यों बार बार तुम लोग उतार रहे हो? ये पीछे पागल है ना, उसने उतार भी दिया, इसने भी जोर से उतारा है कि बस। नहीं नहीं, शुगर है सिर्फ। अच्छा, मेरे आलू ध्यान में आ रहा है, थोड़ा ही उतार लेती हूं। अरे आलू आ रहा था ध्यान में, मतलब आलू नहीं नहीं, बिरयानी पे आलू दी इससे आप तो कोई बोले बच्चे शौक से खाते हैं, केचप डालते हैं, ऐसे बोल देती। मैं वही कह रहा हूं, मेरी बारी में भी ऐसे देने चले। हिलाने की चीजें, जितना हिलाते हो आवाज आती है। झुंझुना? नहीं नहीं, हाथ में होता है जोर जोर, कभी बड़ा होता है कभी छोटा होता है। हाथ में होता है, क्यूज है ना, माशाल्लाह। हिलाते हैं और कभी बड़ा होता छोटा होता है। सुनो, जब इसको हिलाते हैं तो लोग अंदर बाहर भी हो जाते हैं। ओह माय गॉड, बतीरा का क्यूज, माशाल्लाह, कंफ्यूजिंग है बहुत आला। आई लव यू बेबी, आई लव यू। हाथ आगे करो, मुट्ठी बनाओ, और हिलाओ डंडा। डंडा? अबे भाई नहीं, कौन से डंडे से आवाज आती है? आई लाइक दिस। इसके अंदर एक डंडा होता है, इसके अंदर
इसके अंदर एक डंडा होता है उससे आवाज आती है, झुंझुना तो नहीं है दबे भाई झुंझुने से निकल, लेकिन जब ये बजता है तो लोग तो कभी बाहर आते हैं तो कभी अंदर जाते हैं, लोगों की भी बज जाती है और कुछ कुछ जगह पर तो इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि बस बंदा खड़ा हो जाए अंदर, वो इतना बड़ा होता है। घंटा 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 जो हमें मिलता है, घंटा ही मिलता है भाई, अब हटाओ आपका घंटा हो गया। सही है, क्या बात है, क्या बात है, कौन सा झुंझुनाए तुम हिला रहे थे, मैं बता रहा हूं ना आधा लंबा हाथ में मुट्ठी कर लो हिलाओ, अबे यूं करके हिलाते हैं ना बैल, एक मिनट, स्कूल में बैल बजती है बच्चे बाहर जाते हैं, बैल बजती है बच्चे अंदर आ जाते हैं, डंडे से बजती है ना, अबे कौन से डंडे से, यू नॉर्मल भी बजती है भाई, चलो वही कौन सा डंडा है जो टंग टंग, यार मेरे दिन में डंडा चल रहा था ना तुम्हारे जहन में पता नहीं क्यों डंडा है, पर खैर अभी हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, आपके जहन में डंडा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे स्टेज पे। Welcome back and yes, आप लोग देख रहे हैं 21 MM रुक्मी मथीरा, वीकेंड्स पर ऑफ कोर्स हम आते हैं आप लोग की जिंदगी में रंगीन बातें करने और रंगीन हरकतें करने और आप लोग के घर में घुसकर हम आप लोग को मुस्कुराहट देते हैं। मुझे लगा एक पल के लिए आप लोग के घर में घुसकर मार ली हम लोगों को मुस्कुरा देते हैं, यही कर रहे होते हैं हम तो, तुम लोग के घर में घुसकर आप लोग को हंसाते भाई, इंटरटेन करते हैं, यही कर रहे हैं ना, टेलीविजन यही होता है, बिल्कुल ऐसे होता है, आप चाहो या ना चाहो मैं आपके घर में घुसी हुई हूं, चाहे आप भाई नहीं भाई नहीं, हां सीरियस कभी ऐसा हुआ है फ्रॉम अ प्रोफेशनल डांसर, डांसिंग कैसे सीखी यार, ऐसी माधुरी की वीडियोस देख देख के, शाहरुख खान माधुरी वो जो नहीं कैस्टिंग होती थी, पापा लाते थे बहुत झंकार की कैस्टिंग ना, तो वो जो VCR होता था तब मैं स्कूल लाइफ में थी तो मैं ना बहुत देखता था झंकार, VCR के दौर में भी तो VCR में मैं हाँ मैं तब से ही मुझे बड़ा पसंद था डांस ना, तो मैं देख देख के ही मैंने वरना मैंने सीखा सीखा है किसी डांस फिर से की हो या श्योर लगाओ गाना मजे से है, हो जाए माइक उतार जाए बहुत बुरा लगेगा पीछे इतना बड़ा अजीब सा ऐसा लग रहा है, अलीना से भी बड़ा माइक है, माइक आई स्वेयर ऐसा लगेगा अलीना की एक डिग्गी सूजी भी है, वाकई तीन डिग्गियां हैं बल्कि दो एक साथ इंजेक्शन लगवा गया ये, एक ही चलेगा, आई विल डू एनीथिंग फॉर मतीरा शो 21 MM, थैंक यू सो मच अलीना। ओके जी गाइस आप कुछ म्यूजिक लगा सकते हैं डायरेक्टर साहब, कुछ नहीं अच्छा वाला लगाया है, जो लगाया कोई लगा कोई बरसात का पंजाबी सॉन्ग पता लगे ना वो हाँ क्या क्या बात है, क्या बात है, That was really nice. That was thank super nice. Thank you so much. I love Shakira और इसमें मैंने बहुत वैसे ही अपने आप को शीशे में देख के डांस किया, Shakira को I love करके पप्पी मेरे को दे रही है confused औरत में मतीरा हूँ, ये लो you I love you because you are my friend, Shakira is not my friend, ये गलत I've seen her पर announcement तो कर रही है I love Shakira और पप्पी मेरे को दे रही है, I love Shakira पप्पी मतीरा, हाँ I love Shakira पप्पी मतीरा, ये लो इसको क्यों दे रही है, gift कह रहा है, अरे gift लेके जाओ, कभी डांस करो ना तो पहले डांस देखने वाले को ये पहना देना, देखो हम मरने पर violence is not the key, प्यार से सब कुछ करे, प्यार से प्यार से जान ले लो, एक मिनट तू भी मारने जा रही थी अभी बोली हाँ नहीं जान इसका आंसर आ गया था, जान इसका क्या लगना है, कुछ भी नहीं है, देखो मजाक कर रही हूँ, क्या लगेगा लगेगा पत्थर मारने पे बीच में बहुत तेज लगेगा, नहीं लेकिन एक घर ले जा सकते हैं वैसे, नहीं ना कल भी बोल रहा हूँ ये वो है तो, जो जहाज में से भी चुरा के लाते हैं और ये जहाज होटल में से भी तकिए चुराने वाले ये लोग, आए हाय आए हाय Care, that was really nice. Thank you so much. और अभी हम crawl time देखते हैं. Of course, हमने dance देख लिया. अब अवाम क्या बोलती है? अवाम की बात है कम नहीं होती और अवाम बोलती ही रहती है. So let's see, अवाम क्या बोलती है? Let's go. अवाम किसके बारे में बोलने वाली है? किसी तुम में से किसी एक के बारे में तो जरूर बोलेगी. अब ये मैं कहाँ से आ गई हूँ? What the? May I have the honor of marrying you?
शादी करने के लिए बोला है मान अलीना मान मान अली है कोई मानी अली मान अली मानी अली वो आधा साइड से गंजा है मानी अली बताओ अप्रूव करते हो आप मतीरा अप्रूव करेगी तो मैं हाँ बोलने अबे भाई मैं कोई शादी आवादी है वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉजेस ऑफ ग्लोबल अरे आई दैट्स सो क्यूट काश पोएट्री ओके नेक्स्ट स्लो मोशन गलत रिपोर्ट है आपको उमरा की दुआ करो मैं करूँ बल्कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट डॉक्टर क्या कहते हैं कहाँ से तुम लोगों ने ढूंढा है देखो हाँ जी हाँ जी और 27 वीक्स पहले का डिलीट भी करती हो व्हाट अ हां तुम डिलीट भी करती हो कमेंट नहीं बेबो मैंने तो कोई डिलीट नहीं किया ओके ये तो उल्टा 27 वीक्स बुराने हैं सोचो ओके नहीं नहीं मैं कोई कमेंट डिलीट नहीं करता मैं जवाब देता हूं उल्टा ओहो ये मैंने हिम्मत की थी क्लिफ्टन में जाके नाचने की मैंने कहा मैं भी तो रील बनाऊंगा बाहर निकल जितने कपड़े उतारोगी उतने फैंस मिलेंगे जवानी के दिन कम होते हैं जितने कपड़े उतार माल बना एडवाइस फॉर यू लो एडवाइस फॉर यू ओह माय गॉड व्हाट अ हॉरिबल एडवाइस हु वुड गिव दिस एडवाइस व्हाई It's a terrible advice. Anima, Adam, Halima, please अपना असली चेहरा तो सामने लाओ ये कोई बाजी ने खुद अपना ही नहीं क्रॉच वाली तस्वीर लगाई है रखा ही नहीं है पता नहीं आई डोंट अंडरस्टैंड दिस तुमसे लड़ाई है कोई नहीं मुझे पता ही नहीं ये लोग कौन है मैं तो खुद हैरान हूँ आपकी टीम कितनी माशाल्लाह कमाल है दिखा भी नहीं रहे तुमने जो कॉमेंट्स में जो लिखा है ना तुम हम इधर एडिट कर रहे हैं बहुत बुरे बुरे कमेंट्स हैं तुमने जो लिखा है उसको जवाब तो मैं दूंगा ना बेबो शुरू में मैं देता होता था जवाब तो मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव ही नहीं ये 27 पुरानी चलो अब लाइव उसको कोई जवाब दे बहुत बदतमीज ये औरत है मर्द है सॉरी ये खुसरा है खुसरा अरे नहीं खुसरे भी अच्छे होते सारे बुरे नहीं लड़की की फोटो यूज कर रहा है हां चलो अब ये तुम्हारे बिछड़े को पागल कर दिया क्या चारे को पागल कर दिया हाँ वैसे इसका किस्मत देखो अच्छी बात है बेचारे को पागल कर दिया बेचारे को पागल कर दिया इन्होंने यार ये 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 चीज थी ये एक टर्किश एक्टर आया था और हर बंदे ने इसको बहुत मतलब ओवरवेल्मिंग तरीके से मिले सारे ओवरवेल्मिंग तरीके से अच्छा ये तस्वीर जो है ना मोर ऑफ लोग उसके बहुत इर्द गिर्द बहुत ज्यादा लाइक औरतें भी हाथ लगाने की कोशिश और वो वाला और अच्छी वाले एजुकेटेड औरतें ये घेरा डाल दिया था ये इसके रात में डिनर रह गया था और यहाँ सोहेल साहब यहाँ घेरा डाल लगा तो ये अदनान भाई के साथ हम लोग तमाशे के बाद फोन तो उन्होंने बुलाया था कि हम पूरी हमारी पूरी टीम में और ये तस्वीर जो खींची हुई है अदनान भाई ने अपने मोबाइल से खींची हुई है ओके दैट्स वेरी स्वीट पीछे जुनैद खड़ा हुआ मिशेल खड़ी हुई है पीछे ओके बट ऐसा क्यों होता है कि मतलब ठीक है आई डू अंडरस्टैंड ही इज अ हैंडसम हीरो लेकिन हाथ लगा मतलब क्या है हाथ लगा कर क्या मिलेगा अब मैं इस हाथ को दूंगी नहीं भाई क्या हो गया आज भी हो रही थी ये बातें कि नौरा फतेह के साथ एक हमारे एक्टर ने हाथ मिला लिया तो इन्होंने बोला मेरे दोस्त हैं तो हम पीछे यही बात कर रहे थे कि उनको वॉइस नोट भेजो ना कि वो हाथ धोना नहीं मैं मिलूंगा आपसे तो वॉइस नोट खेल रहे थे ये दोनों यही लाइन बोल रहे थे आप क्या करोगे पता नहीं ऐसी तफरी तफरी हाथ में थोड़ी तफरी नहीं तफरी कर रहा था वहां से जवाब भी बड़ा अच्छा था ना उसको बताऊंगा वेरी नाइस ओके जी नेक्स्ट यार आई हैट्स ऑफ योर टीम माशाल्लाह वाह वाह के इतने पुराने वीक्स के उन्होंने वो निकाल कर बिल्कुल हमारी टीम वेरी नाइस वी हैव अ वेरी अरे भाई अस्सलाम वालेकुम आप कितनी लग रही है आप पे गुड लग रही है क्या वैसे बात तो सही भाई आप पे कुछ नहीं लग रही ये क्या बात है वो करेक्टर ऐसा था आप तो लड़ाइयां निकाल सकते हैं वो मतलब ना करेक्टर ऐसा था ना हाँ वेरी नाइस वेरी नाइस आई लाइक इट थैंक यू ओके पाकिस्तान में औरतों की कमी है बेचारे से भी औरत का कभी कभी होता है कि नहीं इट्स यू आर एन एक्टर यार इट्स एन एक्टर आप एक रोल कर रहे हो उस रोल में यू नीड अ चेंज तो उसके लिए क्या एक दूसरी औरत हायर करे क्या हो गया भाई एग्जैक्ट मुंह तो उसी का ही होगा भाई एक निजी चैनल से हम प्रोग्राम करते थे कपिल जैसा उसमें मेरी लड़की बनता था हमने तकरीबन 50 एपिसोड में आप भी आई थी उसमें हाँ हमारी टीम के लिए सारी तालियां
तालियां और आप दोनों के लिए गालियां। पब्लिक तो पब्लिक है, कुछ भी कह सकती है तो उनको भी ऐसा हुआ कोई रियल लाइफ में आकर ट्रॉल करके चला गया। और भाई बहुत करते हैं क्यों? एक तो सबका मसला ये होता है यार, आजकल तुम टीवी पर नजर नहीं आ रहे, अब पूछने का अंदाज ऐसा तंजिया होता है नजर नहीं आ रहे हो, फलाना नहीं हो रहा। जब बताने शुरू करे ना प्रोजेक्ट के नाम, अरे यार टीवी नहीं देखते, वो मॉर्निंग शो भी नहीं फलाना। शादी में चले जाए या रिश्तेदारों में चले जाए, यार ये काम तो तुम कर रहे हो सही है, लेकिन यार पार्ट टाइम में भी बिजनेस स्टार्ट करो, इनका जो है ना एंड बड़ा बुरा। और बाद में काम भी यही मांग रहे होते हैं, यार हीरो तो बनवा दो, यार ड्रामा तो दिलवा दो, यार एक्टिंग का बड़ा शौक है। नहीं, आप दुआएं दें। आप क्या बोलते हैं यार, एक्टर का एंड बड़ा बुरा होता है, मतलब डरा रहे हो यार तुम, क्या बुरा होता है? एंड क्या होता है? नसीब में वो होगा? नहीं, आई थिंक एंड उस इंसान का बुरा होता है जिसने शायद किसी को तंग किया। मतलब मुझे ये लगता है दैट बहुत सारे लोग हैं जो इतने अमीर नहीं है, लेकिन सुकून की नींद सोते हैं और एक आराम की जिंदगी भी रहते हैं। हाँ, और उनके छोटे से घर में प्यार भी होते हैं, और वफादारी भी होती है और अपनायत भी होती है, और वो बैठ कर एक थाली में बैठ कर खुशी खुशी खाते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी है जिनके प्राइवेट जेट्स भी है, बड़े बड़े महल है, लेकिन वो बीमारी पे जिंदा है। हाँ। और वो सुकून की नींद सो नहीं सकते, और वो कभी कभी अपने बच्चों को देखने के लिए तरस रहे होते हैं और उनके बच्चों के पास टाइम नहीं होता। तो सुकून खरीदा नहीं जा सकता, खुशियां खरीदी नहीं जा सकती। जो एक आजकल हमारा ट्रेंड है ना कि हम नोटों से हम हमारे आंसू पोंछेंगे, भाई आप नोटों से सेहत नहीं ला सकते, घर नहीं बना सकते, प्यार नहीं खरीद सकते, और वफादारी और एक सुकून नहीं खरीद सकते। ये पांच चीजें हैं जो नोट नहीं कर सकता। तो आप जितना भी नोट उड़ा दो, अगर सेहत खराब है तो वो नहीं आ सकती। और इसलिए हम बोलते हैं कि सेहत का बिल्कुल लुक आफ्टर योरसेल्फ, रिश्तों को सही तरह निभाओ। अगर कोई आपसे प्यार करता है, हमेशा इंसान को अपनी नीयत साफ रखना चाहिए। सामने वाला जितना भी आपके साथ बुरा कर लेना, कोई बात नहीं, क्योंकि इट्स अ चेन। आप प्यार देते हो तो कोई और आएगा आपको वो प्यार देने के लिए, कहीं और से मिल जाएगा आपको, कहीं और से जरूर वो रिस्क देगा। सो यस, अभी फिलहाल हम लेंगे छोटे से ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे ट्यून। Welcome back, and yes, you guys are watching 21mm. This is me, Mathira, and yes, हमारे प्यार प्यार मेहमान sharing their struggles, और बड़ा अच्छा लगता है that I believe struggles बहुत जरूरी होती है। बिल्कुल, बहुत जरूरी। जब आप struggle करते हैं ना, तो आप किसी मुकाम पे जाते हैं, तो फिर आप अपने से नीचे वालों को भी अपने साथ आप पॉलिश हो जाते हैं यार, आपको लाइफ की समझ आ जाती है, और आपका पॉलिश होना, फिनेस होना बहुत जरूरी है। आप गिरते नहीं है। हाँ, आप डाउनवर्ड ही रहते हैं। कोई एक ऐसा मोमेंट जो वापस जाकर उस चीज को बदल सकते हैं, वो क्या होगा? वापस जाकर उस चीज को बदल सकता हूँ, नहीं समझ आ रहा बिल्कुल, ना सोचा कोई तो होगा। चलो तुम सोचो, जब तक कलीना से पूछते हैं। मेरी मामा वापस आ जाए, उनका वैसा मर्डर ना हुआ होता, वो मेरे साथ होती, या शायद मुझे मौका मिलता उनकी तिमारदारी करने का। वो बीमार हो जाती, मतलब वो वापस आ जाए वो मोमेंट। नहीं, पर व्हाट आई वांट यू टू शेयर, अच्छा वो उनका मर्डर हुआ था ना 2017 में मम्मा का। ओके, तो मैं ये चाहती हूँ कि वो वापस आ जाए, वो मर्डर ना हुआ होता, वो तिब्बी मौत होती ना इंसान की, नेचुरल डेथ हो जाए, चाहे उनका खिदमत करी होती, उनकी तिमारदारी करी होती, चाहे मुझे पता होता वो मेरी आंखों के सामने है, बेशक वो थोड़ा बीमार है, लेकिन जो ऑल ऑफ अ सडन गई है ना वो मर्डर जो उनका 2017 में हुआ था, लेकिन व्हाट हैपेंड नहीं पता। कैन यू टेल? हां, मामा पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थी लाहौर में ना, तो 2017 में उनका मर्डर हो गया था, किसी इलेक्ट्रिक गाय ने किया था, क्योंकि उन्होंने घर में बुला लिया था इलेक्ट्रिशियन, तो वो समझी कि मेरा पंखा वंखा ठीक करने आया, तो वो किसी ने कहा होगा या कह दिया होगा मर्डर का, या जो भी मारने के उसमें आया था, तो मुझे तो अगले दिन पता चला वो इन कराची, नहीं वो वर्कर था, किसी जानने वाले ने करवाया, क्यों नहीं पता, अभी तक ये मोयमा ही नहीं हल हो सका। मैंने 3-4 साल अदालतें रगड़ी हैं, 3-4 साल में गया हूँ, लेकिन इस बात का मुझे कोई अभी तक, वो अभी तक क्या इतने साल हो गए, वो इंसान वो बरी हो गया, अब तो 3-4 साल के बाद उसको छुट्टी दे दी। I'm so sorry for your loss, पर इसके अलावा कुछ ये कैसी चीज है जो इंसान
मैं यही चाहता हूँ बस मेरे मामा आ जाती मेरे पास, उनको थोड़ा और मुझे टाइम मिल जाता मेरे पेरेंट्स का मेरे साथ. मैं इसीलिए इतने अरसे से लोनली हूँ ना, तो वो बस शायद मैं ये चाहता था बदल, मेरे लिए तो ये बदल जाए. फॉर मी दिस इज इम्पोर्टेंट. आई थिंक एक माँ जो होती है, एक माँ और बाप जब जाते हैं तो मौत एक एंड नहीं होता, बरहक है. इट्स अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू लाइफ. बिल्कुल ऐसा. और आई बिलीव माँ जितना भी बच्चे से दूर हो ना, वो दूर नहीं हो सकती, दुआ मिलती है. बिल्कुल राइट. तो आई विल से, मैं हमेशा मेरे हर दोस्त को बोलती हूँ, जब आप किसी लव्ड वन को खोते हो तो आपने एक एंजल आपके लिए लड़ने के लिए ऊपर है, है बिल्कुल है, जो खुदा से एक 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 लड़ाई करता है, जो आपके लिए हर चीज देखता है. और माँ तो हमेशा बच्चे के लिए बहुत करीब होती है. तो बोलते ना, जब आप परेशान हो जिंदगी में तो अपने माँ बाप की कब्रों पे जाओ. तो जैसे कि परेशान हो कमरों पे जाओगे तो आपकी परेशानियां दूर होती है ना. फिर तो है लिखा हुआ हदीस में, क्या मैं मानता हूँ मौत बरहक है, बट बस एक वन थिंग अगर मैं चेंज करना चाहता तो ये कि मुझे मौका मिलता उनके साथ, बस टाइम मिलता. या टाइम मिलता वो बहुत जल्दी, वो एक मोमेंट को आप बचा लेती तो जिंदगी अलग होती या डिफरेंट होती. आई नो शायद मैं उनके साथ रह रहा होता, क्योंकि हमारा प्लान था, मैं लाहौर जाने वाला था कराची छोड़कर. सीरियसली मेरी मामा से बात होती थी उन दिनों और वो कहती थी कि बेटा आज हम मिलके रहते. मैंने कहा हाँ मामा ये बात भी सही है. तो मैं शायद पैक करने वाला था कराची, मैं यहाँ ना होता. मेरी लाइफ डिफरेंट होती, शायद मैं वहां जाता, मामा मेरी शादी करा देती. मैं किसी और जोन में होता, एक अलग लाइफ जी रहा होता, बच्चे होते मेरे, हो सकता था ना एक टर्न आता. लेकिन पर इट्स ओके, आई थिंक अभी भी वक्त है और अभी भी ये होगा. और इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए. जैसे आपने बोला ना कि कोई ना कोई मिल जाएगा प्यार करने वाला, हमें भी मिल जाएगा. बिल्कुल मिलेगा. तुम बताओ जी कौन सा वक्त आना चाहिए दोबारा. मतलब वही मेरा भी वही कि अब्बा के दौर में अगर दोबारा मैं जाऊँ तो वो हासिल करना चाहूँगा कि अब्बा के साथ शायद थोड़ी और जिंदगी गुजार लूँ. ओके, अपने आप को 10 साल में कहाँ देखते हो? आने वाले 10 साल में देखता हूँ कि क्या गोल सेट किए. गोल यही है कि एक तो अपनी बेटी को हाफजा बनाना चाहता हूँ, दूसरी चीज ये कि मैं स्टार बनना चाहता हूँ, कि मैं दुनिया को दिखाऊँ कि इस खत का भी कोई बड़ा स्टार हो सकता है, ताकि मोटिवेट मिले मेरे जैसे लोगों को कि अगर वो चाहें और वो अपना एक अपना माइंड सेट कर ले तो अब सब कुछ हो सकता है. बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ऐसी बच्चियाँ हैं मतीरा, जब लोग थिएटर गए थे ढूंढने गए थे छोटे घर की, तो वो अपने घर से ही नहीं निकली. वो ना शादी में जाती है, ना रिश्तेदारों में जाती है, ना किसी ट्रोलिंग ना क्योंकि वो ना एहसास कमजोरी का शिकार हो गए बच्चे बच्चियाँ. क्योंकि हमारा ज़माना ना उनको जिस तरह से टॉन्ट करता है बाहर निकलने के बाद, मजाक उड़ाते हैं कुछ भी. शुरू शुरू में हमारे साथ भी होते थे कि हम तो चलो इग्नोर करते हैं, इतनी बर्दाश्त है, लेकिन बहुत सारे लोग बेचारे बर्दाश्त नहीं कर पाते, अपने आप को अंदर रख लेते हैं. तो आप कुछ बन जाओगे ना तो आपको देख के हो सकता है और लोग भी निकलेंगे, नहीं जब ये बन सकता है तो हम भी कुछ कर सकते हैं. तो मेरी ख्वाहिश है. एंड आई थिंक कद, शक्ल, रंगत कोई भी चीज इंसान को रोकना नहीं आप खुद को रोक सकते हो. ऐसा ही कोई और आपको नहीं रोक सकता. आपकी कोई भी, आपको पता है लोग के पास टांगे नहीं होती और वो पहाड़ चल रहा है. लोग अगर आपको खुद पर ऐसा एहसास हो रहा है कि आप एक बहुत ही अजीब इंसान हो या बहुत ही लो फील कर रहे हो, तो आप वो रेसेस देखो जहाँ लोग व्हीलचेयर पर जीत रहे होते हैं. और आप अपनी कमजोरी को ना, आप अपनी कमजोरी को मैं जैसे मेरा हाइट छोटी है ना, आई लव माय हाइट. अगर मेरी हाइट इतनी नहीं होती तो हो सकता है आज मुझे कोई नहीं जानता होता, मैं आम लोगों की तरह जिंदगी गुजार रहा होता. आपकी हाइट ही आपकी खास बात. बिल्कुल प्लस पॉइंट हो गया ना मेरा. तो आप अपने जो आपकी कमजोरी है उसको प्लस पॉइंट करके उससे फायदा उठा लें. एब्सोल्युटली दैट्स राइट. आप यूनिक हैं दुनिया में सबसे, तो आप उसको देखेंगे मैं क्या कर सकता हूं. यूनिक बनाया. और इसलिए मैं बोलती हूं किसी के चेहरे पर अगर आप उंगली उठाते हो तो आप खुदा की बनाई हुई चीज पर उंगली उठा रहे हो. और अगर आप किसी का, हम इस चीज पर यकीन करते हैं दैट वी हैव दैट रिलीजन का हम बड़ा स्ट्रांग होल्ड करते हैं, लेकिन हम ऑफ कोर्स उमरा और हज इन लोग की बातों भी करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं जो एक मेन अल्लाह का घर है वो होता है हर इंसान का दिल, हर धड़कती हुई चीज का दिल, चाहे वो एक जानवर का हो चाहे वो एक इंसान का. अगर आप 100 हज कर लो और आपने एक दिल तोड़ा है तो वो 100 हज भी किसी काम के नहीं है. सो यस, दिल, लोग के दिल को जिंदा रखो. उसकी कीमत जो एक होती है, किसी के दिल खुश करोगे ना तो बहुत सारी चीजें मिलती है. और ये मैंने सदका जारी है. किसी के दिल को भी खुश करना इज अ सदका. इट्स नॉट अबाउट मनी कि आप बाहर जा रहे हैं और पैसा ही दे रहे हैं. आप किसी को अच्छी बात ही कह रहे हैं ना तो वो भी एक सदका है. हाँ, और खुदा के वास्ते इस तरह नहीं दे कि यहाँ है कैमरा जी जी जरा जरा ये ले ये ले ये ले, क्योंकि वो फिर आप लाइक्स के लिए कर रहे हो.
इंसान जब किसी की मदद करता है इस तरह करो कि सामने वाले को भी पता ना हो हाँ। कि आप क्या कर रहे हो हाँ। आप बस मदद करके हट जाओ, दुनिया को दिखाने नहीं होता। खुदा के वास्ते ये जो एक नया ट्रेंड बना हुआ है कि किसी की मदद करो तो उसका उसके शो करो, तस्दील करो, आप उसकी तस्दील नहीं कर रहे हो। सफेद पोश लोग होते हैं जो रोड पर नहीं निकल सकते लेकिन उनकी मजबूरी होती है। अच्छा, लेकिन इसका आंसर पता है क्या देते हैं कि हम वीडियोस इसलिए बनाते हैं, आंसर अब मैं बताती हूं, बिकॉज लोगों दूसरे लोगों को भी ना इस बात की वो दे सकें कि देखो इसलाह कि हम कर रहे हैं तो आप भी करो। मुझे जो जवाब मिलता है आई गेस वो ये होता है कि हम इसलिए वीडियोस बनाते हैं अगर हम कुछ अल्लाह के नाम का दे रहे हैं कि और लोगों को भी ना इस चीज की तौफीक हो। तो क्या इज इट किसी को तौफीक, मैं मुझे ये लगता है नहीं ना, नो नो, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को बता ना चले। हां, और सामने वाले की आंखों में आंखें नहीं डालो उसको देते हुए कि वो अपने वो शर्मिंदगी महसूस करता है ना, आप उसको ऐसे दो कि उसको शर्मिंदगी। बट ये इतने ढीठ हैं कि इनके पास जवाब भी है, ये तो उंगलियां बना रहे हैं। तो आप लोगों को भी तौफीक देना चाहते हैं इसलिए हम दे रहे हैं। मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ कोशिश करो कि जानवरों की तरफ बर्ताव अच्छा करें, क्योंकि गली के कुत्ते और स्ट्रे कैट्स इन चीजों पर लोग इतना हैवानियत निकालते हैं। ये मेरा हमेशा ही पैगाम होता है दैट खुदा के वास्ते आप लोग के हाथ में एक बच्चा होता है, आप फोन पर होते हो, कुत्ता वहां बैठा होता है, पत्थर उठाकर आप लोग को फेंकना है, मार देते हो, कभी टांगों से बैठा हुआ है, आप लोग ये हरकत क्यों कर रहे हो? प्लीज, दिस इज अ स्वीट मैसेज, किसी को कुछ नहीं है। मासूम की बदुआ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो 10 साल बाद भी आपके दिल के टुकड़े पर आएगी, लेकिन आएगी जरूर, ये एक फैक्ट है। थैंक यू सो मच यू गाइस, आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ अवाम को बोलना चाहोगे प्लीज पैगाम दीजिए। अवाम को यही बोलना चाहूँगा कि जी अपने इर्द गिर्द के लोगों से, रिश्तेदारों से अगर कुछ नाराजगी है तो प्लीज़ रिलेशनशिप को ख़त्म करें। बहुत छोटी सी लाइफ है, बहुत छोटी ज़िंदगी है, अपनाएं एक दूसरे को, एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा करें और माफ़ करना सीखें। मोहब्बत के चक्कर में तो पॉपुलेशन बढ़ रही है भाई। भाई हमारी मोहब्बत नहीं मती पाकीज़ा मोहब्बत पैदा करें दुनिया में, और भी बाकी बच्चे पैदा नहीं करें, पाकीज़ा मोहब्बत पैदा करें प्लीज़। बात है सो मेरा मैसेज यही है टू द वर्ल्ड, या फिर जो भी आपके चाहने वाले इस शो को देखते हैं, और ज्यादा इस शो को देखें और बढ़ाएं, और सबसे ज्यादा कि जिनके पेरेंट्स जिंदा हैं प्लीज ज्यादा से ज्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड करें। यू नेवर नो कि कब क्या हो जाए, तो प्लीज मैं तो यही चाहूंगा कि प्लीज अपने माँ बाप को बहुत प्यार दें, उनकी बहुत खिदमत करें और उनके पैरों में पड़ जाएं, माँ को तो बहुत प्यार करें। थैंक यू सो मच। एंड ये बहुत ही प्यारा सा पैगाम है, माँ बाप की कदर करो, वो बहुत जरूरी है। अगर माँ बाप, जब आप छोटे होते हो आप ज़िद्दी होते हो तब माँ बाप आपकी चीज़ों को लेते हैं। ये एक साइंस के फैक्ट है कि जिस तरीके से एक इंसान एज होता जाता है उस तरीके से उसके हॉर्मोन्स, उसकी बॉडी लैंग्वेज एक बचपन की तरफ आती जाती है। तो वो ज़िद, वो गुस्सा, उन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करें, अपने माँ बाप की कदर करें, मुस्कुराए पाकिस्तान, खिलखिलाए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।